बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सजाद, आईटी की दुनिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ से एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे फिल टूल के बारे में। ये कितनी किस्म के होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, तो चलें देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिल टूल के बारे में, इंटरेक्टिव फिल क्या होता है और उसके बाद होता है स्मार्ट फिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे कोई कलर कर लेते हैं। तो कलर करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इंटरेक्टिव फिल लेता हूँ। जैसे मैं इसको लेता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास। तो आप देखें, यहाँ पे मैं इसको सीधा ड्रैग करता हूँ, इसको हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये देखें। उसके अलावा इसके अंदर एक और कलर भी ऐड कर सकते हैं डबल क्लिक करने से। ठीक है, ये देखें, कोई भी मतलब मैचिंग कलर वाला, ये देखें। ठीक है, अच्छा उसके कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। आप देखें यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं, वेक्टर पैटर्न। ये बेसिकली प्रीसेट होते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी लगा सकते हैं इनके ऊपर। ये टेक्सचर फिल होते हैं, कोई भी टेक्सचर आप दे सकते हैं इनके ऊपर। मैं नहीं आ रहा, और मतलब कोई भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका कार मैं और भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, F11 इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर देखें कि मैं यहाँ पे आता हूँ जी, यहाँ पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ इसका कलर मैं चेंज कर दूँ। जैसे मैं इस येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे देखें येलो आ रहा है, कोई भी येलो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। अच्छा यहाँ पे इसकी ओपेसिटी वगैरह ये आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। उसके अलावा हाइट विड्थ, ये सारी चीजें इसके अंदर है। उसके अलावा लीनियर कलर ब्लेंड होता है। अच्छा ये कुछ टाइप्स दी हुई है इनकी, आप देखेंगे ये देखिए इस तरह का, ये रिवर्स भी कर सकते हैं आप इस तरह, मतलब ऊपर वाला कलर नीचे आ जाएगा। ये देखिए फाउंटेन फील लग गया इसका, आप देखिए। ठीक है, कोई भी मतलब इस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रीसेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। F11 इसकी शॉर्टकट की है। सबसे पहले ये देखें कि अगर मैं एक रिक्टेंगल लेता हूँ, रिक्टेंगल ली मैंने, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको ये छोटा कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं जी इसको एक लाइन लगा दू। ठीक है, एक रिक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह, जिसको मैं ठीक है इस तरह कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं फिल टूल अप्लाई करूं। फिल टूल देखें आप, स्मार्ट फिल टूल अप्लाई करता हूं इसके अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अलग चीज हो जाएगी, यहाँ पर एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहां पर मैं करना चाहता हूं तो यहाँ पर एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आउटलाइन अगर मैं खत्म कर दूं तो ये हमारे पास एक लोगो की शक्ल भी बन जाती है, डिफरेंट डिजाइन हम बना सकते हैं यूज करते हुए। आप देखें, ठीक है, इसका फेस भी खत्म, आउटलाइन खत्म कर दी, इसकी आउटलाइन भी खत्म कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर है ये वाला, एक्टिव टूल अप्लाई कर देता हूँ ये वाला, तो आप देखें इसकी आउटलाइन भी खत्म कर सकते हैं। और
अंदर वाला एक सर्कल था, इसको भी खत्म कर दें। आप देखें कि हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, एक सर्कल लगाया। सर्कल लगाने के बाद उसको स्मार्ट फील के थ्रू हमने फील कर दिया और एक डिजाइन बन गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और स्मार्ट फील की एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए एक लाइन लगाता हूँ, लाइन लगा दी, इसकी मैंने एक कॉपी बना दी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर करता हूँ स्मार्ट फील अप्लाई, ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ जी इसके अंदर जो है इंटरेक्टिव फील अप्लाई करता हूँ। अब देखिए कि इसके अंदर मैं स्मार्ट फील भी अप्लाई कर रहा हूँ और इंटरेक्टिव फील भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। आप देखेंगे मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और ग्रुप करने के बाद सिंपल से डिजाइन बन जाएगा बड़ा प्यारा सा। तो ये दोनों चीजों को अगर हम यूज करते हैं तो इस तरह के हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे से डिजाइन बन जाते हैं जी। तो आज हमने फिल टूल के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।